उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अशोक नागर के आवास पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोजकी की जयंती मनाई गई। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर में गुर्जरों ने भरी हुंकार। गुर्जर समाज आया एक मंच पर, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अशोक नागर के आवास पर क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के गुर्जर समाज के नेताओं ने बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख पति अशोक नागर, पूर्व CBI इंस्पेक्टर लायक सिंह और प्रदेश अध्यक्ष महाराज सिंह, लोकेश सिंह और दिमाग सिंह ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए, जिसमें गुर्जर विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष महाराज सिंह का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराज सिंह ने गुर्जर ने कहा कि इतिहास गवाह है, गुर्जर सम्राट के बारे में ज्यादातर आप लोग जानते होंगे, जगह जगह उनके नाम से मार्ग हैं, और कहा कि हमारी पार्टियों में हिस्सेदारी नहीं है, हम पार्टियों में हिस्सेदारी चाहते हैं। देश में हमारी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, उसके बावजूद भी पार्टियों में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी जातियों को साधने में लगी हुई है, गुर्जर समाज में एकता की कमी है। आज हम उसी को, गुर्जर समाज को एक मंच पर लाना चाहते हैं। जिसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अशोक नागर ने कहा कि गुर्जरों को एकजुट होना होगा, तभी उन्हें सम्मान मिलेगा। जिसमें अशोक नागर ने कहा कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला चलूंगा, गुर्जर समाज एक मंच पर आए, एकजुट हो। इसी के साथ BDC सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मास्टर जयपाल सिंह, लोकेश सिंह, दिमाग सिंह, लायक सिंह, चमन सिंह कसाना, अजय पाल सिंह, दीपक भडाना, दिनेश कुमार, यशपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह लोहिया, प्रदीप सिंह, अंतराम सिंह, प्रमोद कसाना, अजय पाल सिंह, जितेंद्र सिंह, भीष्म सिंह, रामचंद्र सिंह, पिंटू सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। उसमें गुर्जर समाज उस पार्टी को बहन करेगा जो पार्टी गुर्जर समाज को और एक मंच पर आके गुर्जर उस अपने कैंडिडेट को जिताएगा। और सब इसके लिए करना है, क्योंकि देश में हमारी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन हमारी आबादी के हिसाब से हमें पार्टियों में, राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, जैसे वो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी जातियों में लोग हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ी पद मिल रहे हैं। तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए, ये हमारा अभियान, इसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए, पूरे देश में, प्रदेश में इसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। एक मंच पर लाना भी था, उन्हें ज्ञान भी देना था कि हमारे सम्राट में हमारे देश में उनकी जाति इतनी गरीब है, उनसे हम उनसे पूरी बारिश नहीं ले सके, तो उनके लोग तो ले लें, उस पर शिक्षा लेकर हम अपने समाज के अंदर काम करें, जो हमारी बिगड़ती जनता है उसको सुधारने का काम करें, एकजुट होकर कोई भी काम करें तो उसका प्रोत्साहन अलग ही जाएगा। इसी मौके पर हमने अपने BDC बुलाए हैं, उनका सम्मान कराया है, उनका उत्साह बढ़ाया गया है कि वो परेशान ना हो, उनके जो विकास के कार्य हैं, मैं संभवतः कहता हूँ कि उनमें भी वो कार्य होंगे।